बच्चों। अरे ये बच्चा क्यों रो रहा है, इसे क्या हुआ? क्या हुआ बेटा, क्यों रो रहे हो? बताओ क्यों नहीं रहा, क्यों रो रहा है? आप लोगों ने देखा है किसने मारा है? मुझे पहले से ही पता था, मुझे पहले से ही शक था कि ये जो शरारत होगी ना वो मंकी की होगी। मंकी भैया मैं आपको देख चुकी हूँ, छुपने की जरूरत नहीं है, बाहर आ जाएं, सामने आए। गलत बात है ना मंकी भैया, आपने इतने प्यारे बच्चे को क्यों मारा है? नहीं नहीं मैंने मारा नहीं है। तो वो क्यों रो रहा है और ये सारे बच्चे मुझे बता रहे हैं कि आपने मारा है? मैं करके दिखाऊं मैंने क्या किया था। शाबाश, इधर आए मेरे पास आए, शाबाश। आपको मंकी भैया ने मारा है, फुटबॉल लगी है आपको? कितनी गलत बात है ना मंकी भैया, इस तरह से फुटबॉल कौन खेलता है? बच्चों ये बताएं, बुरी बात है ना इस तरह खेलना? अभी और इसी वक्त सॉरी बोलें। मैं क्यों सॉरी बोलूं भाई, गलती आपकी है तो मैं सॉरी बोलूंगी। अच्छा, क्या मैं बोल देता हूँ सॉरी। आपने किसको मारा है? इसको। कौन रो रहा है? मैं अदा नहीं है ये। तो सॉरी किसको बोलेंगे आप? हाँ इसी को बोलूंगा। सॉरी बोले कान पकड़ के, वो भी कान पकड़ के सॉरी बोले। कान पकड़ के सॉरी। मंकी भैया अपने कान पकड़ के सॉरी बोले। अच्छा अपने कान पकड़। इतने बड़े बड़े कान है आपके। मिल गए मेरे कान, सॉरी। अच्छा चले आपको मंकी भैया देखे सॉरी बोल रहे हैं, देखे उनको। आपने सॉरी एक्सेप्ट कर लिया? चलें जी सॉरी एक्सेप्ट कर लिया है तो दोस्ती कर लें। चलें जी गुड हो गया ना ये तो। बच्चों जब आप गेम्स खेलते हैं, गेम्स खेलना अच्छी बात है, लेकिन जब आप गेम्स खेलते हैं तो आपने एहतियात से खेलना चाहिए ताकि दूसरे को तकलीफ ना हो। बहुत अच्छी बात बोली है यहाँ बच्ची ने, और इसी अच्छी बात के साथ मैं नाजरीन को वेलकम करती हूँ प्रोग्राम में जिसका नाम है क्रिएटिव किड्स और जिसे आप देखते हैं पीटीवी होम पर। जी तो यहाँ पर आज बहुत सारी एक्टिविटीज होने वाली हैं, और वो एक्टिविटीज क्या हैं ये सब आपको थोड़ी ही देर में पता चलेगा। जी जैसा कि आप सब जानते हैं, बच्चों मुझे ये बताएं कि पढ़ाई लिखाई इम्पॉर्टेंट है ना? आप सब स्कूल जाते हैं, ट्यूशन जाते हैं, मदरसे जाते हैं, पढ़ते हैं, ऐसा ही है ना? गुड, बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या आपको ये पता है कि पढ़ाई लिखाई के साथ स्पोर्ट्स और गेम्स भी कितने इम्पॉर्टेंट हैं? क्योंकि स्पोर्ट्स और गेम्स से आप हेल्दी रहते हैं, फिट रहते हैं, फिजिकली भी और मेंटली भी। बिल्कुल, और आप फिजिकली और मेंटली फिट रहेंगे तो आप स्टडीज भी अच्छे तरीके से करेंगे, ऐसा ही है ना? तो हम बास्केटबॉल खेलें। बास्केटबॉल किस किस का फेवरेट गेम है? बहुत सारे बच्चों का फेवरेट गेम है बास्केटबॉल। वाओ भाई, गर्ल्स का भी और बॉयज का भी, जबरदस्त। मंकी भैया बॉल दे दें बच्चे को। चलिए शाबाश, चलो स्टार्ट करें, शाबाश। ओके जी देखते हैं क्या होने वाला है। यस 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 यस, लेट्स सी बॉल बास्केट में जाती है या नहीं। ओ पहला मौका निकल गया हाथ से। ओके नाउ हम क्या मौका दे रहे हैं, नंबर टू। अब लेट्स सी देखते हैं कि सेकंड राउंड में बॉल बास्केट में जाती है। मंकी भैया क्या लग रहा है, नहीं जाएगी? नहीं जाएगा भाई। आप लोग थोड़ा चीयर अप तो करें थोड़ा सा। बिल्कुल करीब थे भाई, बिल्कुल। तीन तीन तीन, दो चांस बाकी है अभी भी। ओ चार, आखिरी 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 आखिरी। ही कैन डू इट, ही कैन डू इट, कर लेगा। आखिरी ओ सो सैड बेटा, आ जाओ। नाउ योर टर्न। ओके आपको क्या लग रहा है, कर लोगे? यस गुड, चलो। ओके जी 1 2 3 गो। ओ बिल्कुल, एक दो मिस हो गया, ये भी तीन।
नहीं भाई, 1 पॉइंट से हमारे आज के विनर हैं। अपना नाम बताएं बेटा। माहिर। ओके जी, तो हमारे आज के विनर हैं माहिर। और ये वाकई माहिर है जी। माशाल्लाह, चले भाई तालियां हो जाए माहिर के लिए। जी तो यहाँ पे जो है वो मुकाबला चल रहा था बास्केटबॉल का, जिसको माहिर ने 1 पॉइंट से जीत लिया है। लेकिन यहाँ पर हम एक और गेम एक्टिविटी करने जा रहे हैं, और अभी पहले जो हमारे पास जो गेम एक्टिविटी थी जिसमें पार्टिसिपेट किया था, हमारे पास 2 बॉयज थे, और अब हम करेंगे, हमें चाहिए 2 लड़कियाँ। आई थिंक ये मंकी भैया, ये दोनों बच्चियाँ, ठीक है? ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 गो। चले एक और चांस दिया, अभी तो दोनों ही जो है वो दोनों ने पहला मौका खो दिया है। 1 2 3 गो। ओके चले भाई चेयर अप करें, कौन जीतेगा, क्या लगता है बच्चों? ओके बच्चों क्या लग रहा है, कौन सी वाली बच्ची जीती है? ओके ओके, शी इज द विनर। अच्छा जी, हॉप बॉल का जो कंपटीशन था उसमें इस बच्ची ने गेम की बाजी जीत ली है। तो आपका नाम पूछते हैं, क्या नाम है आपका? फेरा। गुफैरा। ओके जी, गुफैरा ने जो है वो जीत लिया ये गेम, जबरदस्त, वेल डन गुफैरा। और जिस बच्ची ने ये गेम हार लिया उनसे भी थोड़ी सी बात कर लेते, इधर आ जाए। क्या हुआ था, मुझे लग रहा था आप जीत जाएंगी। मुझे भी लग रहा था मैं जीत जाऊंगी, बात नहीं। हाँ, हार जीत तो हिस्सा है ना, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम ये वाला कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जबरदस्त जी, तालियां हो जाए एक दफा दोनों बच्चियों के लिए। जबरदस्त जी, बच्चों ने बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ गेम्स में पार्टिसिपेट किया, और कुछ बच्चों ने जीता, कुछ बच्चों ने गेम्स हार दी, कोई बात नहीं, हार जीत तो हिस्सा है गेम का। तो हमारे साथ ही रहिएगा, यहाँ पर ब्रेक का वक्त हो गया है, एक शॉर्ट ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं आपसे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। और यहाँ पर बहुत ही मजेदार गेम्स खेले जा रहे थे, और अब जो है वो बच्चे एक्साइटेड हैं। किस चीज के लिए एक्साइटेड है भाई आप लोग? बिल्कुल, हमारा नेक्स्ट सेगमेंट मैजिक शो। तो बच्चों को मजीद इंतजार नहीं करवाते हुए हम इनवाइट करते हैं, वेलकम करते हैं हमारे मैजिक अंकल, मैजिशियन को। जी मैजिशियन प्लीज आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं बच्चों? मजा आ रहा है ये। आपका जादू जो है वो बच्चों पे चल चुका है। अच्छा, बच्चे बहुत इंतजार करते हैं। हाँ, तो फिर एक काम करें, जरा आप जरा जल्दी से मेरे पास आएं, आप मेरे पास आएं, दोनों आ जाएं जरा जल्दी से, क्योंकि आप लोगों को एक काम करना है, वो ये कि आप इधर आ जाइए, ये सिरा थाम लीजिए दोनों हाथों से, मजबूत। और अरे यार, तुम इनसे थोड़े से ताकतवर और लंबे चौड़े लग रहे हो, ठीक है? दोनों हाथों से नहीं, एक ही हाथ से पकड़ो, सिर्फ खींच के देखो, मजबूत है ये रस्सी, खींचो, ज्यादा जान नहीं लगाना, खींचो खींचो, थोड़ा सा और खींचो, थोड़ा सा और खींचो, बिल्कुल सही है। बस दोनों जल्दी से अपनी जगह पे चले जाओ, क्योंकि मैजिक जल्दी से करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रस्सी अभी अभी चेक हुई है ना, एक मैजिक पहले दिखाते हैं उसके बाद सिखाते हैं। तो पहले दिखाने के लिए ये देखिए जरा, मेरे पास है एक अदर कैंची, ठीक है? इसे कर दिया कट। अब मेरे साथ सब इसके सिरे काउंट करेंगे, 1 2 3 and 4, ठीक है? कितने पीसेस होगा इसके? 2 पीसेस और 4 एंड, एक रस्सी के 2 सिरे, 2 रस्सियों के 4 सिरे। अब जरा सब लोग इधर देखते रहिएगा और एक मैजिक वर्ड सीख लें, बोले एब्राकडेब्रा, एब्राकडेब्रा। बस आप लोगों ने दिया मेरा साथ, अब मैं 3 तक काउंट करूंगा, ये रस्सी सही हो जाएगी। 1 2 3। बच्चे हैरान हो गए। अब आप एक सेकंड के लिए आइएगा, ओके? क्योंकि बच्चों से तो डील की है, सिखाने की, सिखा दूं ना? यस 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 के नो यस यस। तो फिर मुझे एक स्टूडेंट चाहिए, वो आप हैं, ठीक है? बिल्कुल, मुझे क्या करना होगा?
आइएगा। अच्छा ओके, सीख लीजिए ठीक है ना, और मंकीज को भी मैजिक सिखा दीजिएगा ठीक है। तो फ्रेंड्स इसके हम दो बराबर से पीसेस करेंगे, इसे कट कीजिएगा इसे सेंटर से। अच्छा ओके ओके ये। तो फ्रेंड्स काउंट कीजिए 1 2 3 4 दो पीसेस में से एक हमारी मैडम का है, एक छोटा एक बड़ा है। गलत काटा, गलत। मेरी गलती इनकी, इनकी गलती इनकी, मेरी क्या गलती है? ये लीजिए एक्स्ट्रा करने, ये जल्दी जल्दी में हो गया, जल्दी जल्दी में हमेशा ऐसा ही होता है। अच्छा क्या करूँ इसको, आप कह रहे हैं कि मैं इक्वल कर दूँ? हाँ एक्स्ट्रा पीस कट कर दें, ये जल्दी में हुआ था शायद, मैं बहुत जल्दी जल्दी बोल रहा था ना। हाँ ऐसा ही हुआ। चलें अब ये इक्वल, अब इन दो पीसेज में से एक मैडम का है एक मेरा है, जो ये कहेंगी वो इनके पास रहेगा। और नहीं नहीं अभी भी छोटा बड़ा, अभी भी छोटा बड़ा, छोटा बड़ा कट ही गया। ये देखें तो कीजिए, ये एक्स्ट्रा कट कर दें फ्रेंड्स, ये क्या हो रहा है, ये तो कुछ गड़बड़ लग रही है, एक्स्ट्रा कट कर दीजिएगा ठीक है। तो फ्रेंड्स अब इन दोनों को एक मेरा है, जो ये कहेंगी वो इनके पास रहेगा। ये छोटा बड़ा, मैं अपनी मर्जी से दूंगा, छोटा बड़ा छोटा बड़ा है छोटा बड़ा। ये क्या मसला है, ये एक्स्ट्रा कट कीजिएगा जरा। कितना एक्स्ट्रा करवाएंगे आप? किया था मैडम ने। हाँ हाँ सब मिलके बताए ना, आ बड़ा बेटा बड़ा। अच्छा बस भी कोई मैजिक वर्ड बार बार पड़ेगा, अब कोई मैजिक वर्ड नहीं पड़ेगा, अब कोई मैजिक वर्ड नहीं पड़ेगा। और सब लोग क्या करेंगे, एक नजर मुझ पे रखेंगे, एक नजर मैडम पे रखेंगे, एक नजर तो छोटे को छोटा कर दिया आपने। अच्छा फ्रेंड्स रुक जाए भाई, मुझे एक काम करना पड़ेगा, वो ये कि ये कंफ्यूजन हो गई है, थोड़ा सा मैसअप हो गया, इसको शुरू से स्टार्ट करें। यस 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 यस, शुरू से करने के लिए शुरू वाला मैजिक दोबारा सब बोले, एब्राकडाब्रा, इधर फूंक मारे साहब, और ये तालियां बजाएं भाई, जबरदस्त जबरदस्त। और आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया है बच्चों। जी नाजरीन आपने भी इस मैजिक को जरूर एंजॉय किया होगा, हमारे साथ ही रहिएगा क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट सेगमेंट अभी होना बाकी है। आप लोग तो जानते हैं मैं किस बारे में बात कर रही हूँ, बस छोटे से ब्रेक पे जा रही हूँ, हमारे साथ ही जुड़े रहें, मिलते हैं आपसे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। और अब वक्त हो गया है सबसे अहम सेगमेंट का, जिसका आप सब बेसब्री से इंतजार करते हैं। जी तो अब हम सुनेंगे बहुत ही मजेदार सी स्टोरी, बहुत ही मजेदार सी स्टोरी सुनेंगे क्योंकि स्टोरी टाइम का टाइम हो चुका है और बातूनी भैया ने हमें ज्वाइन कर लिया है, तो आपको मजीद इंतजार नहीं करवाते और आइए चलिए सुनते हैं आज की मजेदार सी कहानी। आइए अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। ओके जी मुझे तो लगता है बच्चों की आपसे बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है, मुझे भी इग्नोर कर दिया इन्होंने, बिल्कुल बिजी हो चुके हैं। हेलो 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 हेलो, अच्छा भूल गए हो मुझे आप लोग। हाँ बातूनी भैया आप अच्छे लग रहे हैं, भूल गए। अच्छा ये कौन से सेगमेंट है बच्चों? स्टोरी टाइम। यहाँ पर बातूनी भैया हमें क्या सुनाएंगे? कहानी सुनाएंगे मजेदार सी। तो एक्साइटेड हैं आप लोग? यस। चलें भाई बातूनी भैया मजीद इंतजार ना करवाएं और आज कहानी कोई मजेदार सी सुना दें। अच्छा भाई आज की जो हमारी स्टोरी है उसका नाम है खाली खालू। खाली खालू नहीं, खाली भालू। अच्छा okay. खाली भालू, भालू हाँ। तो पता है वाकया कुछ यूं है कि एक दफा जंगल में तमाम के तमाम जंगल के जानवरों ने फैसला किया कि भाई क्यों ना हम सब मिलकर कोई गेम खेलें। तो पता है उन्होंने कौन सा गेम खेला? पता है तो भाई हुआ ये कि जब तमाम जानवरों ने फैसला किया ना कि हम क्रिकेट मैच खेलते हैं, तो लोमड़ी ने कहा भाई टॉस तो सिर्फ मैं ही करूंगी। हाँ कर लो भाई कर लो। तो दो टीमें हो गई, एक टीम में जरा भारी भारी जानवर थे और एक टीम में जरा थोड़े से कमजोर जानवर होते हैं ना, बड़े बड़े जानवर जैसे हाथी हो गया, शेर हो गया, लोमड़ी हो गई, इस तरह के जो बड़े बड़े बहादुर जानवर होते हैं ना वो एक तरफ हो गए। तो जब टॉस हुआ, टॉस होने के बाद सबने फैसला किया कि यार अब जो है
किसको भेजें पहली दफ़ा बॉलिंग के लिए, तो उन्होंने कहा ऐसा करते हैं कि बॉलिंग पर भेजते हैं नहीं नहीं लोमड़ी तो लोमड़ी ने टॉस किया था ना, जराफा था बैटिंग पर और भालू था पीछे, भालू एक घट्टा घट्टा जानवर था ना, तो उसने कहा विकेट कीपर तो भाई मैं ही बनूंगा, मेरा कैच पकड़ने का अंदाज बहुत अच्छा है। सबने कहा चलो भाई तुम बन जाओ, और आगे जो खड़ा हुआ था वो जराफा, जराफा पता है ना कैसा होता है, ये लंबी सी गर्दन वाला, लंबी गर्दन होती है, तो उसको एम्पायर ने कहा भाई ऐसे कैसे जा रहे हो, इधर आओ बल्ला तो ले जाओ, तो जराफे ने कहा मैं बल्ला लेके क्यों जाऊं, मेरा ये जो सर है इसी से मैं खेलूंगा। अब एम्पायर ने कहा यार ये तो सारा जंगली जानवर है इसको कौन समझाए, चलो भाई चले जाओ। अब बॉलिंग कराने के लिए जब बॉलर आया ना, तो उसने बॉल कराने के लिए पता है कौन सी चीज ली, नारियल, उसने कहा नारियल से बॉल कराएंगे हम, तो जंगली है ना, नारियल देखा है ना गोल गोल बॉल की तरह होता है, तो उसने कहा बंदर को जाओ भाई बंदर जल्दी से जाओ एक नारियल तोड़ के लाओ। बंदर जल्दी से ऊपर चढ़ा और उसने एक साथ बहुत सारे नारियल तोड़ तोड़ के फेंक दिए, पकड़ो पकड़ो पुड़ूंग पकड़ो पकड़ो पुड़ूंग पुड़ूंग कैच करो। अब जब बॉल कराई ना, पहली बॉल पर जराफे ने इस जोर से गर्दन घुमाई, वो पीछे जो खड़ा हुआ था ना भालू, भालू के सर पे आके जोर से उसकी सर, उसका सर लगा और भालू गिर गया ऐसे। अब भालू को जो है ऐसे चक्कर आ रहे और सारे के सारे जानवर उसके इर्द गिर्द खड़े हैं। सबने कहा क्या हुआ भाई भालू भाई क्या हुआ भालू भाई क्या हुआ क्या हुआ। अब भालू ने कहा भाई मेरे सर पे तो बहुत जोर के सर लग गया है, अल्लाह मैं क्या करूँ, उफ माई गॉड। वो छोड़ के चला गया ना ग्राउंड से, बुरी बात, वो चला गया ग्राउंड से बाहर। सब ने मिलकर गेम खेलने का फैसला किया, लेकिन एम्पायर ने कहा नहीं भाई हमारे एक साथी को चोट लग गई है, और गेम में चोट लगती है ना तो हमें क्या चाहिए, गेम खेलते वक्त जो है ना एहतियात से काम लें। भालू से जो है उसने जराफे ने सॉरी की, उसने कहा सॉरी यार मुझे पता नहीं था मेरी गर्दन इतनी बड़ी है कि तुम्हें लग जाएगी, चलो उसने कहा चलो भूल जाते हैं। अब जब रात हुई तो पता है क्या हुआ, क्या हुआ भाई, भालू को तो नींद ही नहीं आई। अब एक दिन गुजरा, दूसरी दिन गुजरा, तीसरा दिन गुजरा, भालू की नींद उड़ गई। अब दूर से ये सारा मामला तो कौन देख रहा था, उल्लू, कौन देख रहा था, उल्लू। उल्लू ने कहा भाई ये जो भालू है इसके सर पे शदीद चोट लगी है और इसका एक ही इलाज है वरना इसके बगैर इसको नींद नहीं आएगी। सबने कहा भाई हमें बताओ क्या करें, तो उल्लू उड़ता हुआ तमाम परिंदों के पास गया और सबके पास बैठकर कहने लगा इधर आओ मेरे पास, करीब आओ करीब आओ करीब आओ करीब आओ करीब करीब आओ करीब आओ, अब मैं तुम्हें एक ऐसी तरकीब बताऊंगा जिसे सुनने के बाद ये जो हमारा भालू साथी है ना जिसकी नींद उड़ गई है इसके सर पे जोर से चोट लगी है इसको ठीक करना है ना, बताओ है ना, बस तो ठीक है अब जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। तो पता है फिर सबने क्या किया, सबने भालू से जाकर कहा भालू हमारा बराबर वाले जंगल के जानवरों के साथ क्रिकेट मैच है क्या तुम हमारे साथ खेलोगे। भालू ने कहा नहीं मुझे तो नींद ही नहीं आ रही मैं कैसे खेलूंगा। जानवर ने कहा तुम घबराओ नहीं यार बस तुम हमारे साथ रहना, तुम्हारे जैसा हट्टा कट्टा प्लेयर देखकर सब लोग भाग जाएंगे। भालू ने कहा ठीक है यार मैं गेम खेलूंगा। अब जब गेम खेलने के लिए सब जमा हुए ना, तो उल्लू के बताए हुए मंसूबे के तहत ना सब लोग जमा हुए और वहीं ऊपर आसमान पर एक जो ना बाज उड़ रहा था, बाज पता है ना बहुत ताकतवर जानवर होता है, और नीचे जमीन पर एक और रेंगने वाला जानवर था उसका नाम पता है क्या है, जो आहिस्ता आहिस्ता चलता है, नहीं नहीं सांप नहीं, उसका नाम नहीं 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 मगरमच्छ नहीं, उसका नाम था कछुआ, वो जिसका सर अंदर चला जाता है ना वो उसका दुश्मन है। लेकिन उल्लू ने मंसूबा बनाया हुआ था, जैसे क्रिकेट मैच शुरू होने लगा बॉल कराने के लिए आया तो फौरन बाज उल्टा आया, आने के बाद उसने ऐसे उड़ान भरी और उसने इसको पकड़ के उल्लू को उठा लिया ऐसे और चला गया। अब भालू जो है नीचे से देख रहा है, अरे मेरे दोस्त को छोड़ दो, छोड़ो मेरे दोस्त को, छोड़ो छोड़ो। और वहां पर जो उल्लू वो जो था ना वो बास ने फौरी तौर पे जैसे देखा ना इसके सर के करीब आ गया है, उसने फौरन जो है उसको फेंका और वो आगे गिरा इसके सर पर ऐसे, उसके सर पे चोट लगनी थी, भालू फिर गिर गया और गिरते ही उसको आ गई नींद। दो दिन के बाद जब भालू की आंख खुली तो उसने कहा यार शुक्र है मुझे नींद आ गई। तो बच्चों खेल में चोट लगती है तो तकलीफ भी होती है और
बाज़ोगाज़ मजा भी आता है, ठीक है? तो गेम खेलना चाहिए चोट से, घबराना भी नहीं चाहिए। कैसी लगी आज की स्टोरी? जबरदस्त भाई, कहानी पसंद आई आप सबको? जी नाजरीन, आपको भी कहानी जरूर पसंद आई होगी और आज का एपिसोड आपने बहुत इंजॉय किया होगा, फन और मस्ती से भरा हुआ। इसी तरह के फन और मस्ती से भरे हुए एपिसोड्स मैं आपकी स्क्रीन्स पे लाती रहूंगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। यहाँ बहुत प्यारे प्यारे बच्चे मौजूद थे जिन्हें हम खाली हाथों यहाँ से रुख्सत नहीं करते। सो बातूनी भैया, बातें कम करें और गिफ्ट जो है वो बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट कर दें। जी आप अपना ख्याल रखिएगा, इजाजत दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा, फिर होगी मुलाकात जल्द ही। अल्लाह हाफिज़।